है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो फाइनली गाइस, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमने अपने टैटू के रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन किए थे हमें उसका आंसर तो दीजिए, हमें उसका रिप्लाई तो दीजिए। तो गाइस आप कहो और आपका भाई पूरा ना करे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए आज से हर एक संडे पे एक क्यू एन ए वीडियो आएगा। मतलब कि आप पूरे हफ्ते कोई भी कमेंट पूछोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ये वीडियो टैटू रिलेटेड कमेंट के ऊपर आंसर मैं देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हर एक संडे को एक क्यू एन ए सेक्शन में रखूंगा जिसमें आपके द्वारा कमेंट किए गए कमेंट को मैं 10 कमेंट को पिक करके उसका आंसर एक प्रॉपर तरीके से मैं दूंगा। जैसे ही आज के वीडियो में मैंने 10 कमेंट मतलब टैटू रिलेटेड 10 कमेंट को पिक किया है, उसका आपको बारीकी से आंसर किया है। और हाँ, मैं उम्मीद रखता कि जो लोग नए टैटू बनवाए या नए टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो उन्हें भी अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि टैटू की केयर कैसे करेंगे, टैटू में क्या खाना चाहिए या टैटू की प्रिपरेशन को लेके हर एक डाउट क्लियर होने वाले हैं। इसलिए भाई वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। और हाँ, 10 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें आपके क्वेश्चन को पिक कर लिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट देन वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे ही आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस भाई के चैनल पर पहली बार इस भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपनी भाई की फैमिली का सब बन जाइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिएटर कोई साइन करके क्रिएट साइन करके कोई भाई है, उन्होंने पूछा है टैटू को प्रॉपर हील करने के लिए कौन सी ऐसी क्रीम है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखो भाई, अगर आपका टैटू हील करना चाहते हो, अगर आप प्रॉपर टैटू के लिए कोई अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हो तो मेरा सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट करके एक क्रीम आती है, वो आप मेडिकल स्टोर पे जाके उससे खरीद लीजिए एंड देन उसके बाद आपको प्रॉपर टैटू हील हो ही जाएगा, सबसे बेस्ट में बेस्ट क्रीम है। एंड दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन आता है, रेखा सुधार करके क्या क्या खा सकते हैं टैटू बनवाने के बाद में। सर देखिए दीदी, जो भी आपको में इच्छा हो वो खाइए, लेकिन हाँ खास करके ध्यान रखिए उसमें ज्यादा ऑयल ना पड़ा हो और जंक फूड तो आप बिल्कुल भी नहीं खाइए। एंड देन उसके बाद भी आपको नॉन वेज का तो बिल्कुल भी खास करके ध्यान रखना हो, बिल्कुल भी उसे अवॉइड करना होगा। 15 दिनों तक नॉन वेज तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा। आप कुछ भी खा सकते हो, बस उसमें खास करके याद रखिए कि ऑयली ना हो और जंक फूड तो बिल्कुल भी ना हो। एंड देन दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है लाइफ विद बॉम्ब की तरफ से, सर एक टैटू प्रॉपर हील होने में कितना टाइम लगता है। देखिए भाई, ये टैटू प्रॉपर हील होने में कितना टाइम लगता है डिपेंड करता है आपके टैटू के साइज के ऊपर। अगर आपके टैटू का साइज ज्यादा है या ज्यादा बड़ा है, अपने टैटू पार्ट पे बनाया बैक पे या चेस्ट पे, तो वो प्रॉपर हील होने में 1 मंथ का टाइम लेता है। एंड हाँ, या आपने नाम बनवाया या कुछ भी विंग्स छोटा सा विंग्स बनवाया या कुछ भी ऐसा टैटू बनवाया जिस छोटे से साइज में है, तो वो 15 से 20 दिनों के अंदर प्रॉपर हील हो जाता है अगर आप उस टैटू को लेकर अच्छी सी प्रिपरेशन करते हो। डिपेंड करता है कि आपका टैटू किस साइज का है। एंड दोस्तों अब पांचवा क्वेश्चन आता है चंदन सौ की तरफ से, सर मेरे टैटू पर दाना निकल रहा है, क्या करें, खुजली भी हो रही है। देखिए, अगर आपके टैटू पर दाना निकल रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप अपने टैटू को लेके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने टैटू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। दाना निकलने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप कहीं भी धूप में निकल जाते हो जिसके जिसके जो सन रे होती है सीधी आपके टैटू पे पड़ती है एंड वहां से आपको पिंपल होने की समस्या हो जाती है और पानी भी आपके टैटू पे पड़ने की वजह से पिंपल निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। और रही बात खुजली की, देखिए भाई अगर आपका न्यू टैटू हो तो कम से कम दूसरे या तीसरे दिन से आपके टैटू पे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो सूजन होती है सूजन कम होती है जिसके कारण से आपके टैटू पे खुजली होती है। तो आप इसमें घबराइए बिल्कुल भी, 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर वो खुजली भी वहां से खत्म हो जाती है, वो प्रॉपर हील होने की प्रोसेस है टैटू की। अब छठा क्वेश्चन आता है RFA2Z की तरफ से, क्या जिम जा सकते हैं भाई। देखिए भाई, जिम आप जाइए, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपने टैटू कहाँ बनवाया। अगर आप अपने हाथों पे टैटू बनवाया तो 15 दिनों तक जिम को अवॉइड कीजिए। और हाँ, किसी भी हाथों के अलावा किसी और भी बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया जैसे बैक पे चेस्ट पे, तो आप तीसरे या चौथे दिन से जिम जा सकते हैं, किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा आपके टैटू पर। एंड सातवां क्वेश्चन आता है अंकुश वर्मा का, मुझे टैटू आर्टिस्ट ने बोला है कि वैसलीन लगाएं 2 टाइम, क्या ये सही है। देखिए भाई अंकुश वर्मा जी, ये कहीं का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता वैसलीन या तेल लगाना, ये किसकी पहचान होती है, रोड साइड आर्टिस्ट जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों की पहचान होते, वही लोग बताएंगे कि वैसलीन या ऑयल का आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो प्रॉपर
जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होते हैं जिनको पूरी तरह से इसकी जानकारी होती है, तो वो आपको सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का ही सजेशन करेंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल तौर पर राय है, सजेशन मैं देता हूं कि आप सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का ही इस्तेमाल कीजिए, ना कि वैसलिन या किसी भी तरह का ऑयल का। अब आठवां क्वेश्चन आता है न्यूरो एक्स करके, भाई न्यू टैटू करने के बाद वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं क्या? भाई देखिए भाई, अगर आपका नया टैटू है, पहला दिन या दूसरा दिन ही है टैटू को बनवाए हुए, तो आप बिल्कुल भी 15 दिनों तक तो बिल्कुल भी गर्म पानी से अवॉइड कीजिए अपने टैटू, गर्म क्या ठंडे पानी से भी अवॉइड कीजिए अपने टैटू को वॉश करने के लिए। लेकिन हाँ, आपके टैटू पे खुजली बढ़ती जा रही, तो हल्का से गुनगुना पानी लेकर, वो भी तीसरे से चौथे दिन हल्का सा गुनगुना पानी लेकर वहां टैप टैप करके अपने टैटू को वहां से हल्का सा वॉश कीजिए, ना कि किसी वार्म वाटर से या ठंडे वाटर से। पानी को अगर आप धोगे या वॉश करोगे तो आपका टैटू वहां से पक जाएगा, पिंपल आ जाएगा और फैट भी पड़ जाएगा। एंड देन दोस्तों आता है नौवां क्वेश्चन, आता है 13 जानी 13 की तरफ से, भाई अगर लेजर से टैटू रिमूव करवाए तो क्या निशान रह जाता है? जी हाँ भाई, आप लेजर से या किसी भी पद्धति से टैटू को रिमूव करवाते हो तो वहां मार्क रह जाता है, लेकिन पूरी पूरी लाइफ टाइम मार्क नहीं रहता। अगर आप ये सोच रहे हो कि तुरंत की तुरंत वहां से मार्क रिमूव होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वहां से आपको क्रीम दिए जाएगा, वहां से क्रीम प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप क्रीम अपने टैटू को रिमूव करवा रहे हो, तो समय रहते धीरे धीरे टैटू पे आप अपने क्रीम को अप्लाई करोगे तो वहां समय रहते वहां से निशान भी, वहां से मार्क बिल्कुल भी चला जाएगा। एंड देन दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आता है 10वें नंबर का, एक्टर बलराम बाबू की तरफ से, टैटू दर्द करता है जब भी बाहर जाता हूं तब। देखिए भाई, टैटू दर्द ही करेगा जब आप, अगर आपने 15 दिनों तक टैटू, अगर जैसे हाथ पे मैंने बनवाया टैटू और मैंने फुल स्लीव की शर्ट पहन ली है ना भाई, तो जो अपनी शर्ट होती है उसका कपड़ा अपने टैटू पे टच करेगा तो बार बार वहां से घर्षण वहां से होगा, जिसके कारण से वहां नमी पैदा होगी। नमी पैदा होने की वजह से वहां हमारे जो पोर्स होते हैं, वहां पोर्स में पानी जाता है, पसीना जाता है पसीना, और उसके बाद वहां से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, यह दर्द हमेशा नहीं रहता, जब जब आपकी स्लीव या शर्ट या कोई भी कपड़ा वहां अगर आप खुद भी टच करोगे तभी दर्द होगा, ऐसा नहीं रहता भाई कि दर्द होता ही रहता है, ऐसा नहीं होता भाई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ 10 क्वेश्चन, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ जो नए टैटू भी, जिन लोगों ने नया टैटू बनवाया होगा उन लोगों को भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा। और हाँ, अगर आपकी कोई कमेंट रह गई है तो चिंता ना करें, अगले इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, तो अगले जो संडे आएगा उसमें आपके क्वेश्चन को पिक कर लिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन के आपके आंसर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए और टैटू रिलेटेड वीडियो पाने के लिए भाई चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपनी भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, जाने से पहले ऑल की नोटिफिकेशन भी कर लेना, क्योंकि भाई सबसे पहले वीडियो भी देखने वाले को ना हम अपने टैटू पे पर्सनल टिप्स भी देते हैं अपने टैटू वाले चैनल पे वीडियो बना के। जी हाँ दोस्तों, ये आपको खास करके इसका बेनिफिट भी मिलेगा आने वाले कुछ समय के अंदर, इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए अपने टैटू को रिलेटेड और भी अलग अलग और नई नई टिप्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।